अब देखिएगा ये जो ऐसे zigzag लाइन बनाई है, ये इधर भी बनाई है, इसका मतलब क्या है? रिवर कितनी लंबी है मुझे नहीं पता, रिवर कहाँ से आ रही है चलती हुई, कहाँ जा रही है हमें नहीं पता, लेकिन रिवर की चौड़ाई दे रखी है, उसकी विड्थ दे रखी है कि उन्होंने बोला हर रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। एक रिवर है जो कि 40 मीटर चौड़ी है, इसका जो ब्रेथ है ये दे रखा है 40 मीटर, और कितनी गहराई है उसकी, गहराई दे रखी है 3 मीटर, 3 मीटर गहरी है। तो जो डेप्थ होता है उसको हम हाइट ही बोल देते हैं, क्योंकि 3 मीटर होगी। और रिवर का क्वेश्चन आएगा, कैनाल का क्वेश्चन आएगा, समुंदर का तो क्वेश्चन आता है, पाइप का भी आता है। तो उसमें क्या है कि उसमें ना हमारे पास लेंथ जो है, लेंथ नहीं होती हमारे पास, तो लेंथ के नाम पर वो स्पीड दे देते हैं कि पानी कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने बोला रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर लिखिएगा एल इज इक्वल टू 2000 मीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर को 2000 मीटर पर आवर लिख सकता हूँ मैं भाई। किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब एक घंटे में कितनी लेंथ फ्लो कर रही है पानी की, 2 किलोमीटर। पानी की 2 किलोमीटर लेंथ जो है वो फ्लो करके निकल जा रही है एक घंटे के अंदर। तो एक घंटे में इसका मतलब 2 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 2000 मीटर। तो एक घंटे में 2000 मीटर पानी की लेंथ फ्लो करके निकल जा रही है, ठीक है। वो बोल रहे हैं हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन अ मिनट, एक मिनट में। ये जो नदियाँ जितनी भी होती हैं वो सारी कहाँ मिलती हैं, समुंदर में मिलती हैं, सी में मिलती हैं। तो वो बोल रहे हैं कि एक मिनट में नदी में से कितना पानी समुंदर में जाकर गिर जाएगा, समुंदर में जाकर मिल जाएगा, ठीक है। वो ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये लिखें कि इन 1 आवर, इन 1 आवर, और 1 आवर के आगे ब्रैकेट में लिख लेना बेटा 60 मिनट्स। In 60 minutes, the length of water which flows through the river is kitna? 2000 मीटर। तो 60 मिनट्स में 2000 मीटर पानी की लेंथ फ्लो कर जाती है। इट इम्प्लाइज दैट 60 मिनट्स में 2000 मीटर, तो इन 1 मिनट, एक मिनट में कितनी लेंथ फ्लो कर जाएगी, 2000 अपॉन 60 मीटर। अभी एक मिनट से मतलब है बस कि एक मिनट में पानी की कितनी लेंथ फ्लो कर जाएगी, बस उससे मतलब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक मिनट के लिए ही हमको डेटा निकालना है कि कितना पानी की लेंथ फ्लो कर रही है। पानी की लेंथ तो इतनी फ्लो कर रही है, पानी की ब्रेथ तो 40 मीटर ही रहने वाली है, पानी की हाइट जो है वो 3 मीटर ही रहने वाली है। इसका मतलब इन वन मिनट वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल इन टू द सी एल इन टू बी इन टू एच। एक मिनट का डेटा मेरे पास आ गया, एक मिनट की लेंथ मेरे पास आ गई, क्योंकि लेंथ कभी रुकती नहीं है, लेंथ फ्लो करती रहती है। तो कितना हो गया 2000 अपॉन 60, तो इसका लेंथ हो गया बेटा, और जो ब्रेथ है कितनी हो गई 40, और हाइट कितनी है 3 3 2 6, तो 30 हो गया, 21 20 22 40, तो 2 2 कितना हो गया 4000 मीटर क्यूब। क्या लिख सकता हूँ उसको, लीटर से कर सकते 1000 मीटर क्यूब लिखा है, पता है क्यों? अगर वो लीटर होता ना, अगर वो 4000 लीटर होता तब मैं बोलता 4 मीटर क्यूब,
और 1000 मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, आंसर देखना पीछे क्या दे रखा है, बताओ। सही है। चलिए जी अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम कैसे बताया जाता है, पाई आर स्क्वायर, ये सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 13 देखिएगा, पेज नंबर 239। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल 13 में है, द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। ठीक है, इफ ईच पिलर हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 मीटर, बाय हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। सिलेंड्रिकल पिलर है उसका, इफ ईच पिलर हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो आर दे रखा है, उसका रेडियस कितना दे रखा है सर्कुलर बेस का, भाई बेस में तो सिलेंडर क्या होता है सर्कुलर ही होता है, उसका रेडियस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 10 मीटर। तो मुझे 14 पिलर्स का, 40 पिलर्स का मुझे क्या बताना है, मुझे वॉल्यूम बता देना। तो एक पिलर का वॉल्यूम निकाल कर 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नोट कीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ 14 सच पिलर्स, ऐसे 14 पिलर्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखिए एक पिलर का वॉल्यूम होता है पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 20/100 का स्क्वायर कर दिया, ये मेरी बात समझ में आ गई, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करेंगे 100 से डिवाइड, तो 20/100 कर दिया। अच्छा, और हाइट कितना दे रखा है 10 मीटर, 7 × 7, 7 × 14, 2 × 22 कितना हो गया 44, 10 से 10 कट गया, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से 10 कट गया और 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 176/10, ये हो गया 17.6 मीटर क्यूब। बताइए जी समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो 14 पिलर की वॉल्यूम इतनी है, तो पिलर कैसे बनाए जाते हैं, पिलर का क्या है कि जैसे लोहा होता है ना लोहा, तो लोहे का सिलेंड्रिकल हॉलो, खोखला सिलेंडर बना दिया जाता है लोहे का, और उसके अंदर क्या करते हैं वो सीमेंट का, रेत का, इन सब का मिक्सचर जो है वो प्रिपेयर करके वो उसके अंदर भर दिया जाता है,
और जब भर दिया जाता है फिर उसको लोहे को हटा लिया जाता है, फिर लोहा हटा लिया तो फिर पिलर पिलर रह जाता है बस, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की, फिर वो सारा का सारा सॉलिड की तरह जम जाता है, समझ गए? ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 हुआ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। Stall keeper in one of the food stalls has a large cylindrical vessel of base radius 15 cm filled up to a height of 32 cm with orange juice. ठीक है, तो एक मेला लगा हुआ है कहीं पर, और वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है जूस की, कोई जूस का कोई स्टॉल है, तो उसमें एक बड़े से सिलेंड्रिकल वेसल है जिसके बेस का रेडियस 50 सेंटीमीटर है, एंड इट इज़ फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ 32 सेंटीमीटर विद ऑरेंज जूस, उसमें ऑरेंज जूस भरा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 14। बेस का रेडियस कितना दे रखा है, आप इसको मैं कैपिटल आर बोलता हूँ, कैपिटल आर, क्योंकि बड़ा कंटेनर है तो बड़े कंटेनर के रेडियस को कैपिटल आर बोलो और उसकी हाइट को कैपिटल एच बोलो, तो कैपिटल आर कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर और ये यहाँ तक भरा हुआ है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, तो बेटा यहीं तक की हाइट लूंगा, फिर मैं पूरे सिलेंडर की हाइट ना लेकर मैं यहीं तक की हाइट लूंगा, और ये दे रखी है हमको 32 सेंटीमीटर। अब देखिएगा कि आप ये कहेंगे कि इतनी हाइट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं यहीं तक जूस भरा हुआ है, उसके ऊपर का तो खाली है, तो मैं यहीं तक लूंगा, तो जहां तक वो भरा हुआ है वहां तक भी तो शेप सिलेंड्रिकल ही होगी ना भाई, अगर हम पूरा भी भरेंगे तो भी वो सिलेंडर रहेगा, और जहां तक भरेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप रहेगी उसकी, जो शेप है कंटेनर की वो सिलेंड्रिकल शेप भी रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल ही शेप रहेगी, तो मैं हाइट को 32 और रेडियस को 15 मानकर इस पूरे कंटेनर में कितना जूस है उसका वॉल्यूम निकाल दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ जूस कंटेन volume of juice contained in the cylinder, in the cylindrical vessel pi capital R square capital H, तो pi कितना है, pi की value pi ही रहती है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि जहाँ पर हमको डिवाइड करना पड़ता है, मेरे को पहले से ही समझ में आ रहा है कि मैं पूरे इसका जूस का पूरे इसका कंटेनर का वॉल्यूम निकालूंगा, और फिर वो कह रहे हैं कि उस मेले में वो जो स्टॉल कीपर है वो स्टॉल कीपर छोटे छोटे सिलेंड्रिकल ग्लासेस में उनको बेच रहा है। ठीक है, तो जब भी डिवाइड करना होगा तो मैं पाई की वैल्यू रखूंगा नहीं, है ना, पाई को पाई ही रहने दीजिए तो पाई हो गया कैपिटल आर कितना है 15 का स्क्वायर, और कैपिटल एच कितना है 32, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इतना सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद वो बोल रहे हैं द जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस की फिगर दिस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर अप टू अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड सोल्ड फॉर ₹15 ईच, हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली।
है उसके यहाँ जो बेस का रेडियस है वो कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो अब इसको बोलिए स्मॉल आर, स्मॉल आर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। और ये कह रहे हैं कि इस ग्लास को भी पूरा ऊपर तक नहीं भरा जाता, अब की वो हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर इसको भर दिया जाता है। स्मॉलेज हो गया 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ जूस इन अ ग्लास, एक ग्लास में कितना जो जूस है उसकी कितनी वॉल्यूम आ जाएगी, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो पाई स्मॉल आर कितना है, 3 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, 8। वो बोल रहे हैं कि भाई उसने अगर वो पूरा का पूरा जितना इसमें भरा हुआ है सारा का सारा जूस इतना इतना गिलासेस में भर भर के उसने अगर बेच दिया, ठीक है, तो कितने, सबसे पहले तो ये देखिएगा कि कितने ग्लास उसने बेचे। तो नंबर ऑफ ग्लासेस दैट ही सोल्ड, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, पाई इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 32 अपॉन जूस का कितना है, एक ग्लास में पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 8, पाई से पाई कट गया, 8 1 8 8 4 32। 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 5 15, 3 5 15। कितने ग्लासेस बेचती है, 100 तो 25 होगा, होगा उसने 100 ग्लासेस बेच दिए। तो वो बोल रहे हैं कि एक ग्लास को बेचकर उसको 15 रुपए मिल रहे हैं। तो हम ये कहेंगे मनी अर्निंग बाय सेलिंग 15 ग्लासेस ऑफ जूस सिलेंडर वाले का कुछ नहीं दिया है।
ठीक है, इतना ही करिए, बाकी रहना है भाई की। गुड इवनिंग।